हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज़ अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। तो आज है 1 फरवरी 2020 या 1 फेब 2020। डेली करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके हम डिस्कस करेंगे। आज मंथ्स का स्टार्ट हो रहा है, तो आप अपना प्लानिंग भी उसी हिसाब से कर लीजिएगा। टुडे डिस्कशन टॉपिक हमारे पटे की तरह रहेंगे, मोटिवेशन कोट रहेगा, वन लाइनर न्यूजेज रहेंगी, डिटेल करंट न्यूज़ रहेगी। स्टेट में हम नागालैंड स्टेट को डिस्कस करेंगे, स्पेशल नॉलेज में नाशा ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर रहेंगे पटे की तरह। स्टैटिक जीके में हम किसे डिस्कस करेंगे उसके लिए आपको वीडियो पूरा वॉच करना है। ओके, मोटिवेशन कोट देख लेते हैं। अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो, जब तक मत रुको जब तक कि आप इसे हासिल नहीं कर सकते कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आपका जो भी गोल है उसे ऊंचा रखिए। ये पहले भी बता चुके हैं ये वाला मोटिवेशन। तो आपका जो लक्ष्य है उसको भेदने के लिए आप तत्पर रहिए और उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहिए। हारिएगा नहीं जब तक उसे आप हासिल नहीं कर लेते। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वन लाइनर न्यूज़ देखते हैं कि अब 1 फरवरी से क्या क्या रहेंगी। महत्वपूर्ण दिन में भारत में शहीद दिवस कब मनाया गया था? तो 30 जनवरी को। विश्व अपेक्षित दिवस कब मनाया गया? उपेक्षित दिवस मनाया गया, वो भी 30 जनवरी को 2020 में। ये पहली बार मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कुष्ठ दिवस जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। ठीक है, तो अब इसके लिए विषय क्या रहा है? तो ये रहा है विषय जागरूकता फैलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 29 जनवरी को वेटिंग द स्ट्रीट समारोह किस शहर में मनाया गया? तो ये मनाया गया नई दिल्ली के अंदर। अब बात है, कल भी हमने बताया था बांग्लादेश के बीच होती है संप्रीति सैन्य अभ्यास। अब ये ऑर्गेनाइज होने वाला है तो आपको इसके बारे में डिटेल पता होनी चाहिए। संप्रीति 9 मतलब 9th एडिशन रहेगा नामक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच। अब कहाँ पर? अब ये तो सभी को पता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो सैन्य अभ्यास होता है उसे कहते हैं संप्रीति। तो अब क्वेश्चन पूछ लेंगे कौन सा सैन्य अभ्यास रहेगा, तो 9th नंबर का रहेगा। कहाँ रहेगा ये इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। मेघालय के उमरोई जिले में 3 से 16 फरवरी तक ये अभ्यास किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम राइफल्स ने कहाँ एक संयुक्त युद्ध स्मारक का मतलब निर्माण किया है? तो मोकोकचुंग जो है नागालैंड के अंदर, वहाँ पर इन्होंने निर्माण किया है। ठीक है, अर्थव्यवस्था की बात करेंगे। विश्व स्वर्ण परिषद के अनुसार 2019 में भारत की जो सोने की मांग है 9% घटकर कितनी रह गई है? तो 690.4 टन जो है भारत की मांग रह गई है। अब कौन लेगा सोना जब इतना महंगा होता जा रहा है, हर कोई तो सोना खरीद नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में चीन के बाद दुनिया का सबसे जो दूसरा सबसे बड़ा सोने का उपभोक्ता कौन सा देश है? तो वो हमारा देश भारत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स पर भारत का पहला साप्ताहिक डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट तथा एक्सचेंज और नियमों के लिए इंट्रो ऑपरेबिलिटी फ्रेमवर्क के तहत देश के पहले व्यापार को मंजूरी देने वाला पहला एक्सचेंज कौन सा है? तो वो है मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ठीक है, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स का भारत का पहला साप्ताहिक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट तथा एक्सचेंज और निगमों के लिए इंट्रो ऑपरेबिलिटी फ्रेमवर्क के तहत देश के पहले व्यापार को मंजूरी देने वाला पहला एक्सचेंज कौन सा है? तो वो है मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ से देख लेते हैं, TTCSP के 2019 ग्लोबल गो टू थिंक टैंक इंडेक्स में पहला स्थान जो रहा है वो किसका रहा है, कौन रहा है पहले स्थान पर? तो वो रहा है कॉर्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस ऑफ US। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लापता व्यक्तियों की खोज करने के लिए आपराधिक जो रिकॉर्ड ब्यूरो है द्वारा प्रस्तुत किए गए 2 नागरिक सेवाएं हैं, तो वो कौन सी सेवाएं हैं? जो लापता हो जाते हैं व्यक्ति लोग उनके लिए जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है NCRV है, उन्होंने क्या किया है कि 2 नागरिक सेवाएं लॉन्च कर दी हैं। तो वो उनके नाम क्या क्या हैं, तो ये आपको पता होना बहुत ही आवश्यक है। तो वो है मिसिंग पर्सन सर्च और जनरेट व्हीकल NOC। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि NCRV क्या होती है। NCRV की ये फुल फॉर्म तो यही होती है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। ओके, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो होती है। ठीक है,
अब आपको ये पता होना चाहिए, एनसीआरबी की फुल फॉर्म तो हो गई नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। अब आपको ये पता होना चाहिए किस मंत्रालय के तहत ये कार्य करता है, तो ये गृह मंत्रालय के तहत कार्य करता है। किसके तहत कार्य करता है? गृह मंत्रालय के तहत, ठीक है। इसका जो मुख्यालय कह लो या ये स्थित कहाँ है, तो ये नई दिल्ली में है। ओके, इसका मतलब जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? आधुनिकीकरण व सूचना प्रौद्योगिकी में सशक्त करना इसका उद्देश्य होता है। भारत की पुलिस के आधुनिकीकरण और उसे प्रौद्योगिकी में सशक्त करना इसका उद्देश्य होता है। अब आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि इसके महानिदेशक कौन है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके महानिदेशक आपको याद रखने हैं, श्री आर आर वर्मा। ओके, तो नेक्स्ट आपका है, पहली वातानुकूलित ट्रेन कहाँ चलाई जा रही है? तो पहली वातानुकूलित ट्रेन कहाँ चलाई जा रही है, सॉरी ट्रेन कहाँ चलाई जा रही है, तो वो मुंबई के अंदर ये चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम की दूसरी डेल्टा रैंकिंग के में पहले स्थान पर सबसे बेहतर जिले के रूप में किस राज्य का जिला उभर कर सामने आया है? तो वो आया है तमिलनाडु का विरुधुनगर, ठीक है। अब जो नीति आयोग ने कल हमने इसको डिटेल में पढ़ाया था कि जो नीति आयोग है उन्होंने दूसरी डेल्टा रैंकिंग में पहले स्थान पर सबसे बेहतर जिले के रूप में किसे रखा है, तो उसे रखा है विरुधुनगर को। और उत्तर प्रदेश में अगर पूछा जाएगा तो उसमें सिद्धार्थ नगर को रखा गया है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अब तमिलनाडु के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत जान लेते हैं क्या क्या रहेंगे। तमिलनाडु की राजधानी तो सभी को पता है चेन्नई होती है, जिसे पहले मद्रास के रूप में जाना जाता था, ठीक है। अब तमिलनाडु की जो सीमाएं हैं वो किस किस से मिलती हैं, तो ये भी आपके लिए आवश्यक है। तो देखो, आंध्र प्रदेश से तथा कर्नाटक से, दक्षिण में हिंद महासागर से, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी से भी इनकी जो सीमा है तमिलनाडु की मैच होती है, और इधर ये केरल है, तो केरल से और कर्नाटक से भी इसकी सीमा पश्चिम में मतलब मिलती है, ठीक है। और इसमें अगर पूछा जाएगा जिलों की संख्या कितनी है तमिलनाडु में, तो आप बताएंगे 32, और यहाँ की मुख्य भाषा तमिल हो जाएगी। और एक क्वेश्चन और आपको याद रख लेना, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो राज्य दिवस मनाया जाता है 14 अप्रैल को, ठीक। तो इतने आप तमिलनाडु के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। अब बात करेंगे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल सर्वेक्षण के अनुसार, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल सर्वेक्षण के अनुसार बजट निर्माण में सर्वोत्तम प्रथाओं के मामले में शीर्ष राज्य कौन सा रहा है? तो वो रहा है असम राज्य। और आपको गणतंत्र दिवस के परेड में जो झांकी लगाई गई है उसमें हमारा असम जो है वो प्रथम इसको अवार्ड मिला गया है, क्योंकि इनकी जो झांकी थी वो सबसे सुंदर थी और इसे प्रथम अवार्ड दिया गया है, प्रथम पुरस्कार इसे दिया गया है। तो ये भी आपको रखना है याद कि गणतंत्र दिवस की परेड में सबसे पहले स्थान पर कौन सी झांकी रही किस राज्य की, तो असम राज्य की, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लेते, क्या ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सर्वेक्षण के अनुसार बजट निर्माण में सर्वोत्तम प्रथाओं के मामले में शीर्ष राज्य कौन सा रहा? असम। सेकंड नंबर पर रहा ओडिशा, फिर रहा आंध्र प्रदेश। अब बात हो रही है असम की, तो असम के बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा बहुत। असम की कैपिटल होती है दिसपुर, सभी को पता है, ठीक है। अब बात करेंगे असम की कैपिटल तो दिसपुर होती है, ये तो सभी को पता है, बेसिक क्वेश्चन है। असम का जो जिले हैं उनमें कितनी संख्या है, उसकी जिले की संख्या जो है 27 है, ठीक है। और जो राज्य दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 21 जनवरी को। और गुवाहाटी जो है वो इसका बड़ा शहर है, और गुवाहाटी से आपको याद रखना खेलो इंडिया 2020 का आयोजन गुवाहाटी के अंदर किया गया है। मुख्य फसल अगर पूछी जाएगी असम की, तो आप बता देंगे चावल को, ठीक है। और अगर राजकीय पक्षी पूछ लिया गया, तो आप जो सफ़ेद पंखी बत्तख होती है वो असम की राजकीय पक्षी होती है, ठीक। अब आपको थोड़ा बहुत और याद रखें, असम केसरी किसे कहा जाता है, तो अंबिका गिरिराय चौधरी को असम केसरी के नाम से जाना जाता है। और एक असम से क्वेश्चन बन जाता है कि जो माजुली द्वीप है वो किस जिले में है, तो माजुली द्वीप तो आप लोग सभी जानते हैं विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है माजुली, ब्रह्मपुत्र नदी में, ये भी आपको याद रखना है। वो जोराहाट जिले में है, कौन से जिले में है, जोराहाट जिले में है, ओके।
और असम में चाय मुख्य उत्पादन है, तो ये तो आपको पता, जो असम का उद्योग होता है, कल हमने डिस्कस भी किया था असम राज्य को, तो उसका मुख्य उद्योग होता है चाय। तो अब आपको ये की बात याद रखनी है, चाय अनुसंधान केंद्र जो है वो जोराहाट में है, ये कामाख्या टेम्पल है जो कि आपको गुवाहाटी में मिल जाएगा, बहुत ही सुप्रसिद्ध है, ठीक है। एशिया का पहला रंगभूमि जो है वो रंगधर असम में ये अवस्थित है। तो ये आपके लिए कुछ, और यहाँ पे अगर जनजाति पूछ ली जाए तो आप बताएंगे बोडो और कछारी। कछारी जनजाति और बोडो जनजाति जो है वो आपको असम में मिल जाएंगी। अगर नृत्य की बात करेंगे तो बिहू, तो आप ऐसे रखिए याद, असम की बिहू, अब वो जो है बिहू वो नृत्य जो होता है वो असम के अंदर ही होता है। और जो नामेरी, मानस और गर्म पानी, जो वन्यजीव अभयारण्य है, ये सब आपको असम के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। टुवर्ड्स मेकिंग द डिकेंड काउंट, इस विषय के तहत द एनर्जी एंड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित किए गए विश्व सतत विकास शिखर का सम्मेलन क्या है? तो ये आपको बताना है, जो सम्मेलन का स्थल है वो क्या है, तो ये आपको बताना है। तो आपको सभी को पता है नई दिल्ली। अब आपको एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर लेना, अगर आप क्वेश्चन दो बार पढ़ लेते हैं तो उससे क्या होता है कि आपको क्वेश्चन वहीं याद हो जाता है। अब ये वन लाइनर न्यूज़ है, इसमें हम जो भी ओरली बता रहे हैं इन पॉइंट पर भी आप ध्यान दीजिएगा और इन्हें नोट कर लीजिएगा। टुवर्ड्स मेकिंग द डिकेड अकाउंट, इस विषय के तहत द एनर्जी एंड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित किए गए विषय सतत विकास शिखर सम्मेलन का स्थल क्या है? अब आपके लिए क्वेश्चन में भी दो क्वेश्चन है, ठीक है। टुवर्ड्स मेकिंग द डिकेड काउंट, विश्व विकास शिखर सम्मेलन का क्या है थीम है, ठीक है। विश्व विकास सतत शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? टुवर्ड्स मेकिंग द डिकेड काउंट, ठीक है। अब ये जो सम्मेलन है किसने ऑर्गेनाइज किया, किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो द एनर्जी रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट के द्वारा इसे आयोजित किया गया। अब एक जो क्वेश्चन बना वो बना नई दिल्ली। अब एग्जाम में अगर किसी भी तरीके का आपके लिए अगर बनता है क्वेश्चन तो आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। अब फिर से हम रिपीट कर देते हैं, विश्व सतत विकास सम्मेलन का जो थीम है वो क्या है? टुवर्ड्स 2030 मेकिंग द डिकेड काउंट, और इसे किसने आयोजन किया? विश्व सतत विकास सम्मेलन 2020 का आयोजन किसने किया था? तो द एनर्जी एंड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट के द्वारा आयोजन किया गया। अब नई दिल्ली की बात हो रही है तो नई दिल्ली से बात कर लेते हैं। नई दिल्ली में आपको वैसे तो सभी पता है जो सीएम है, अभी इलेक्शन होने वाले हैं, तभी हुए नहीं तभी कौन है, केजरीवाल जी हैं। अगर उपराज्यपाल की बात करेंगे तो उपराज्यपाल हैं हमारे अनिल बैजल जी दिल्ली के अंदर, ठीक। और दिल्ली में 239A ये हम कई बार बता चुके हैं, तो ये आर्टिकल वहाँ पर यूज होता है, ठीक है। सबसे ऊंची मीनार जो कुतुब मीनार है वो दिल्ली में अवस्थित है, ये तो सभी को पता है, वेरी इजी क्वेश्चन है। और तराइन की जो दूसरी लड़ाई हुई थी 1192 के बाद में, तो वो दिल्ली मुस्लिम शासकों के आधिपत्य में तभी आ गई थी। और इंद्रप्रस्थ का पुराना नाम जो था वो दिल्ली का ही पुराना नाम इंद्रप्रस्थ हुआ करता था, ठीक है। और देखो तो रैलियों का नगर भी कहा जाता है। और एक क्वेश्चन और, कभी कभी अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया कि दिल्ली किस पहाड़ी पर स्थित है, तो रायसीना पहाड़ी जो है उस पर दिल्ली अवस्थित है, तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। और दिल्ली को संघ शासित प्रदेश कब राज्य जो घोषित किया गया था, कब किया गया था? तो 1 नवंबर 1956 को संघ शासित क्षेत्र के रूप में इसे घोषित कर दिया गया था। अब दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में कब घोषित किया गया, तो ये भी क्वेश्चन आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए। तो 70वां संविधान संशोधन हुआ 1992 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी जो है घोषित कर दिया गया था, ओके। अब आपके लिए एक क्वेश्चन और हम बता देते हैं कि देखो अगर अगर पूछ ही ले गए दिल्ली का राजकीय पशु कौन है, तो आप बताएंगे नील गाय। अगर पक्षी पूछ लिया गया तो बताएंगे आप गौरैया, ठीक है, जो घरेलू चिड़िया होती है वो। नीलगाय राजकीय पशु है दिल्ली का, और पक्षी जो है वो है गौरैया। दिल्ली आपकी राजधानी है तो आपको पता होना बहुत ही आवश्यक है कि दिल्ली के बारे में क्या है, ठीक। और जो भाषा रहेंगी हिंदी, पंजाबी और उर्दू रहेंगी मुख्य भाषाएं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेटर नोएडा में इंडियन कार्गो अवार्ड्स में बेस्ट कंटेनर ट्रैकिंग सॉल्यूशन कंपनी के विजेता कौन सी कंपनी बनी है? तो बनी है DMI CDC लॉजिकल डेटा सर्विसेज, जो कंपनी है वो आपकी बनी है विजेता।
अब बात हो रही है इसमें ग्रेटर नोएडा की, तो आपको नोएडा से हम कई बार पूछ चुके हैं, नोएडा की फुल फॉर्म कभी कभी पूछ ली जाती है, यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में तो पूछी गई है, यूपी ट्रिपल एससी में भी पूछी गई है, बाकी अभी हमें नई जानकारी है किसमें पूछी गई, पर आपको याद रखना अति आवश्यक है। तो नोएडा की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है न्यू ओखला, हम बताते जा रहे हैं आप नोट करते जाइए, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट अथॉरिटी। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट अथॉरिटी जो होती है वो नोएडा की फुल फॉर्म होती है, आपको याद रखना अति आवश्यक है। ओके, अब बात करेंगे DMICDC, DMICDC, तो अब इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, लॉजिस्टिक डाटा सर्विसेज लिमिटेड, लॉजिस्टिक डाटा सर्विसेज लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21वां भारत रंग महोत्सव 1 फरवरी 2020 से कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये तो आपको पता ही चल गया है कि नई दिल्ली में। अब आज है 1 फरवरी, तो ये अब आपके लिए क्वेश्चन बन जाएगा कि भारत रंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। आपको पता है नई दिल्ली के बारे में हम अभी सारी जानकारी बता चुके हैं। और 21वां अब पूछ लिया गया, भारत का रंग महोत्सव है उसका कौन सा एडिशन है, या तो उसको आप बताएंगे 21वां एडिशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भारतीय संस्थान जो टी टी सी एस पी के 2019 ग्लोबल गो टू थिंक टैंक इंडेक्स में 27वें स्थान पर पहुंच गया है, तो क्या है वह भारतीय संस्थान कौन सा है जो TTCSP के 2019 ग्लोबल गो टू थिंक टैंक इंडेक्स में 27वें स्थान पर पहुंच गया है? तो वो हो गया आपका ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। तो अब थिंक टैंक की बात हो रही है, तो आपको TTCSP के बारे में समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या है, तो वो उसके फुल फॉर्म हो जाती है थिंक टैंक सिविल सोशिएट्स प्रोग्राम, थिंक टैंक सिविल सोशिएट प्रोग्राम, थिंक टैंक सिविल सोशिएट प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भारतीय संस्थान जो थिंक टैंक टू वॉच इन 2019 सूची में 9वें स्थान पर रहा है, तो वो भी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन रहा है 9वें स्थान पर। अब इसमें क्या पूछा था, 27वें स्थान पर पहुंच गया था, तो वो है रिजर्वर रिसर्च फाउंडेशन। और वह भारतीय संस्थान जो थिंक टैंक टू वॉच इन 2019 सूची में 9वें स्थान पर, तो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। बस आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे गो टू थिंक टैंक लिखा हुआ है या टू वॉच इन लिखा हुआ है, तो गो टू थिंक जो थिंक टैंक है उसमें 27वें स्थान पर है और टू वॉच इन में वो 9वें स्थान पर है। वह भारतीय कार्यक्रम जिसे TTCSP के 2019 ग्लोबल गो टू थिंक टैंक इंडेक्स रिपोर्ट में 7वें सर्वश्रेष्ठ सम्मेलन के रूप में शामिल किया गया, तो रायसीना डायलॉग को। नेक्स्ट न्यूज़ जो रहेगी व्यक्ति विशेष से रहेगी, UN ने भारत के किस व्यक्ति को थाईलैंड में रेजिडेंट को ऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया है? गीता सबरवाल। अपॉइंटमेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। यूनाइटेड नेशन ने भारत की एक ये महिला है गीता सबरवाल, इन्हें थाईलैंड में रेजिडेंट को ऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त कर दिया है। थाईलैंड की बात करेंगे, थाईलैंड की कैपिटल हो जाती है बैंकॉक और करेंसी होती है भाट। ओके, गुजरात में राजकोट राज्य का 7वां राजा कौन था? तो गुजरात राज्य जो था उसमें जो 17वां राजा था वे कौन था, तो वो था मंधाता सिंह जडेजा जी। अब बात हो रही है गुजरात की, तो गुजरात की भी बात कर लेते हैं क्या क्या है। गुजरात की राजधानी तो सभी को पता ही है, गांधीनगर है। ओके, लिंगानुपात अगर पूछा जाएगा तो वैसे नहीं पूछा जाएगा, तो 919 महिलाएं 1000 पुरुष पर आ जाती हैं। अहमदाबाद सबसे बड़ा शहर है, उच्च न्यायालय भी आपका अहमदाबाद में ही होगा। अब गुजरात में जो पर्यटन क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? देखो, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य है, साबरमती आश्रम है, हड़प्पा स्थल लोथल है, पोरबंदर कांडला है जिसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से परिवर्तित कर दिया गया है, और गिर राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें पूछा जाता है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, वो तो आप बता देंगे गुजरात में। उसमें ये पूछा जाएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान में कौन किस प्रकार के पाया जाता है, तो एशियाटिक लॉइन पाए जाते हैं वहाँ, ठीक है।
ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एमडी पात्रा की जगह मौद्रिक नीति समिति का नया सदस्य कौन बने हैं? तो जनक राज आरबीआई के कार्यकारी निदेशक बने हैं। रिलेंटनेस आत्मकथा जो है किस व्यक्ति की है? रिलेंटनेस आत्मकथा जो है किस व्यक्ति की है? यशवंत सिन्हा की है। 2020 को कार्रवाई का दशक और 2020 को तात्कालिकता का वर्ष बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने बनाए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर चुना गया भारतीय कार्यकर्ता का नाम क्या है? तो वो उनका नाम है ऋषा शेट्टी। अब खेल से न्यूज़ देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनुराग दहिया को नियुक्त किया गया है। आईसीसी के मुख्य वाणिज्य अधिकारी के रूप में अनुराग दहिया को नियुक्त किया गया है। भारतीय फुटबॉल में पहली बार स्कॉटलैंड के रेंजर्स फुटबॉल क्लब ने महिला भारतीय संघ की किस खिलाड़ी के साथ समझौता करने की घोषणा की है? तो बाला देवी के साथ। दुनिया में कहीं भी खेलने के लिए पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी बनने वाली भारतीय महिला का तथा रेंजर्स क्लब की पहली एशियाई अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी कौन है? तो वह भी बाला देवी हैं। अब राज्य विशेष से बात करेंगे। वह राज्य सरकार कौन सी है जो हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित 34वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कार्यक्रम का विषय राज्य रहेगा? तो वो रहेगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने युवा स्वाभिमान योजना 5000 प्रतिमा और 365 कार्य दिवसों के साथ का शुभारंभ किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने ये शुभारंभ किया है। अब हम ऑनलाइन न्यूज़ हैं, इसमें ज़्यादा डिटेल इसलिए नहीं बता रहे कि वो डिटेल न्यूज़ भी दी हुई है, यहाँ पे ही बहुत टाइम लग जाएगा, तो वो भी देनी है। ओके, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के नए नगर पालिका की जो संख्या है वो कितनी है? तो वर्तमान में है 6 और 13 हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन आपके लिए देखो, जम्मू कश्मीर अभी केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो यहाँ से 370 आर्टिकल और 35 ए को हटा दिया गया है, ये भारत का संपूर्ण राज्य हो गया जैसे सभी राज्य हैं, और इसमें उपराज्यपाल आपको पूछे जाएंगे। गिरीश चंद मुर्मू जी हैं वो यहाँ के उपराज्यपाल हैं। अब जो भी न्यूज़ फॉर्म हुई है उससे सामान्य ज्ञान की बात करेंगे। भारत सरकार ने इस वर्ष आकांक्षी जिलों का परिवर्तन पहल शुरू की थी, तो वर्ष 2018 में आकांक्षी जिलों का परिवर्तन की पहल शुरू की थी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क मंडल की स्थापना कब हुई थी? तो 1944 में 26 जनवरी को हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। माइकोबैक्टीरियम लेप्राई और माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमेटोसिस जीवाणु के कारण होने वाला संक्रमण क्या होता है? तो वो होता है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग का दूसरा नाम क्या होता है? हैंसन की बीमारी जो होती है कुष्ठ रोग का दूसरा नाम होता है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना कब हुई? 1959 में स्थापना हुई थी नई दिल्ली के अंदर। विश्व स्वर्ण परिषद की स्थापना कब हुई? तो 1987 में हुई, मुख्यालय लंदन ब्रिटेन में है। मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना वर्ष 2008 में 14 अगस्त को हुई। भारतीय म्यूचुअल फंड्स संघ की स्थापना कब हुई? 1995 में, और मुख्यालय इसका हो जाएगा आपका मुंबई के अंदर। अब बात करेंगे डिटेल करंट न्यूज़ की, उससे पहले मैं आपको बता दूँ आप हमें यूट्यूब के साथ साथ हमारे फेसबुक और इंस्टा पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हेलो और टिकटॉक ऐप यूज करते हैं तो आप वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। आप अगर डेली मोशन, शेयर चैट और ट्विटर यूज करते हैं तो आप वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। ओके, हर जगह आपको अगर अकाउंट सर्च करना है तो तैयारी विग्नर्स की के नाम से आपको वहाँ आपको हमारा अकाउंट प्रोवाइड हो जाएगा। ओके, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, सभी जाइए वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, आप ही का बेनिफिट है, आपको नोट्स आराम से प्रोवाइड कर दिए जाएंगे वहाँ पर। ओके, अब देख लेते हैं जो न्यूज़ रही हैं उसमें क्या है। राज्य में 172 सार्वजनिक पुस्तकालयों का डिजिटलीकरण किया जाएगा। 30 जनवरी 2020 को सार्वजनिक पुस्तकालयों के निदेशक सतीश कुमार होशमड़ी ने कहा कि उडुपी में 172 सार्वजनिक पुस्तकालयों का डिजिटलीकरण किया जाएगा, मतलब डिजिटलाइजेशन पुस्तकें कर दी जाएंगी, आप ऑनलाइन उनको पढ़ सकते हैं, जबकि 100 सार्वजनिक पुस्तकालयों को पहले ही डिजिटल किया जा चुका है। 30 जिला केंद्रीय पुस्तकालय, 26 केंद्रीय शहर पुस्तकालय, 176 पुस्तकालय तालुकों, ग्राम पंचायतों और स्लम क्षेत्रों में थे। तो आपके लिए क्वेश्चन यही बन जाएगा कि कितने सार्वजनिक पुस्तकालयों का डिजिटलीकरण किया गया है, तो 172 का, और पुस्तकालयों के महानिदेशक पूछे जाएंगे तो आप सतीश कुमार होशमड़ी के नाम से उसको याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाता है, तेलंगाना में विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो 1,00,000 क्षमता वाला ध्यान केंद्र, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी सुविधा का दावा किया जाता है, का उद्घाटन 28 जनवरी 2020 को हैदराबाद के हॉटफुलनेस इंस्टीट्यूट के वैश्विक मुख्यालय और श्री रामचंद्र मिशन में किया गया, जो ध्यान की राजयोग प्रणाली में प्रशिक्षण प्रदान करता है। केंद्र एक समय में 1,00,000 ध्यान चिकित्सकों को समायोजित कर सकता है।
अब तेलंगाना में विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो यही पूछा जाएगा, विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तेलंगाना में। अगर पूछा जाए उद्घाटन कब किया गया इसका, 28 जनवरी 2020 को, ये नहीं पूछा जाएगा। कहाँ पर किया गया? तो हैदराबाद के हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट के वैश्विक मुख्यालय और श्री रामचंद्र मिशन में इसका उद्घाटन जो है वो किया गया है। गांधी जी की हत्या के बारे में द हिंदू द्वारा जारी की गई है एक पुस्तक। अब पुस्तक के बारे में जान लेते हैं क्या है। वैज्ञानिक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने महात्मा गांधी की हत्या पर एक विशेष प्रकाशन जो है जारी कर दिया, जिसका शीर्षक था महात्मा गांधी की हत्या परीक्षण और निर्णय 1948 से 1949। इसे द हिंदू ने इतिहास श्रृंखला के रूप में हिस्से के रूप में प्रकाशित किया है। अब ये क्वेश्चन बन जाता है, गांधी जी की हत्या के बारे में जो पुस्तक लिखी है किसने लिखी है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने। प्रकाशित किसने की है? द हिंदू ने की है। पुस्तक का शीर्षक क्या था? महात्मा गांधी की हत्या परीक्षण और निर्णय 1948 से 1949। ओके, संप्रीति नाइन भारत का भारत बांग्लादेश संयुक्त सैन्य अभ्यास। संप्रीति नाइन भारत बांग्लादेश के बीच एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास 3 जनवरी से 16 फरवरी तक मेघालय के उमरोई में आयोजित किया जाएगा। अभ्यास संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच एक आवश्यक द्विपक्षीय रक्षा सहयोग प्रयास करता है। ठीक है, तो ये हम ऑनलाइन में बता ही चुके हैं। तो बांग्लादेश के बारे में आप जान लीजिए, ढाका होती है कैपिटल और करेंसी होती है टका। शेख हसीना यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे, अब्दुल हामिद वहाँ के जो है राष्ट्रपति हो जाएंगे। और न्यू मोर द्वीप जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित द्वीप है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। रानी रामपाल विश्व खेल एथलीट ऑफ द ईयर 2019। जो भारतीय महिला टीम की कप्तान है रानी रामपाल, 3 जनवरी 2020 को प्रतिष्ठित बर्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाली पहली हॉकी खिलाड़ी बन गई हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। एक तो एक न्यूज़ बन जाती है कि जो हमारी भारतीय महिला टीम की कप्तान, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है रानी रामपाल। अब ये प्रथम महिला है जो हॉकी खिलाड़ी हैं जिन्हें बर्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर के पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है विश्व अपेक्षित रोग दिवस। 30 जनवरी को विश्व अपेक्षित रोग दिवस के रूप में माना जाता है। यह पहली बार विश्व उत्पेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों दिवस के रूप में चिन्हित है। दिन का उद्देश्य उष्णकटिबंधीय रोगों को दूर करने के लिए जागरूकता पैदा करना है। रोग जनकों के कारण उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग होते हैं। तो ये प्रथम बार मनाया गया है 30 जनवरी को, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। 30 जनवरी को ही मनाया गया है शहीद दिवस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO ने कोरोना वायरस को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 30 जनवरी 2020 को उपन्यास कोरोना वायरस 2019 को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। उन्होंने चीन के वुहान के बाहर भी इसका प्रकोप जारी है। घोषणा संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों को नोटिस देती है कि दुनिया की शीर्ष स्वास्थ्य सलाहकार संस्था को लगता है कि स्थिति गंभीर है। अब WHO ने मतलब पब्लिकली एक इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है कोरोना वायरस को लेकर। हमारे भारत के अंदर भी कोरोना वायरस का एंट्री हो चुकी है। एक केरल का स्टूडेंट था जो वुहान से आया हुआ था, तो उसमें कोरोना के लक्षण पाए गए, तो शायद वो पहले से ही इन्फेक्टेड था, तो इसलिए ठीक है। तो उस पर अब हमारे इंडिया के अंदर भी कोरोना वायरस आ गया है। ओके, अब बात करेंगे स्टेट की, तो नागालैंड की बात करेंगे। नागालैंड की कैपिटल होती है कोहिमा। सबसे बड़ा शहर जो नागालैंड का वो है दीमापुर। जिले हैं नागालैंड के 12। राजभाषा, एक क्वेश्चन राजभाषा से बन जाता है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड है। गठन हुआ 1 दिसंबर 1963 को। राज्यपाल RN रवि हैं। नेफ्यू रियू यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाते हैं। विधानमंडल यहाँ की एक सदनीय है। विधानसभा की सीटें 60 हैं और राज्यसभा की सीटें 1 है और लोकसभा की सीट भी 1 है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 12 डिस्ट्रिक्ट, लोकसभा राज्यसभा। डिस्ट्रिक्ट 12 हैं, लोकसभा 1 है, राज्यसभा 1 है। 12, 11 आप ऐसे याद रख सकते हैं। इटंकी नेशनल पार्क जो है वो नागालैंड में का एकमात्र पार्क है। इसे 1993 में स्थापित किया गया था। यह कुल 202.02 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब नागालैंड के पर्वत 2 हैं, बरेल एवं जाम्फू। ठीक है, पर्वत शिखर जो है शरामती है।
नदियाँ नागालैंड की हैं, दोयंग है, दिरक है, धनश्री, जाझी और दिखू, ये नदियाँ हैं। झील की बात करेंगे तो लेचाम झील जो है वो आपको नागालैंड में अवस्थित मिल जाएगी। और पर्व यहाँ पर मनाए जाते हैं शैक्रेनी, मोत्सु, तुलिनी, तोक्कू एमोंग, भाई नाम टफ हैं थोड़े, आप इनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब स्पेशल नॉलेज की बात करेंगे, इसमें बात करेंगे नासा के, नासा के बारे में। कल कई क्वेश्चन नासा से संबंधित आए थे, तो नासा के बारे में आपको जान लेना आवश्यक है। नासा होता है संक्षिप्त रूप NASA, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे संक्षिप्त में क्या कहते हैं, नासा, ठीक है। और हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। ये संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब कि USA सरकार की एक शाखा है, जो देश के सार्वजनिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों व एरोनॉटिक्स व एरोस्पेस संशोधन के लिए जिम्मेदार है। फरवरी 2006 से नासा का लक्ष्य वाक्य जो रहा वो रहा भविष्य में अंतरिक्ष अन्वेषण, वैज्ञानिक खोज और एरोनॉटिक्स संशोधन को बढ़ाना है। 14 सितंबर 2011 में नासा ने घोषणा की कि उन्होंने एक नए स्पेस लॉन्च सिस्टम के डिज़ाइन का चुनाव किया, जिसके चलते संस्था के अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में और दूर तक सफर करने में सक्षम होंगे। अमेरिका द्वारा मानव अंतरिक्ष अन्वेषण में एक नया कदम साबित होंगे। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का जो नारा है वो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, मतलब सबकी भलाई के लिए। स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी और पूर्ववर्ती संस्था जो है इसकी NASA है, 1915 से 1958 तक ये संस्था रही थी। अधिकार क्षेत्र अमेरिकी सरकार, ये जो सभी बताया, मुख्यालय जो हो जाएगा Washington DC में हो जाएगा। संस्था कार्यपाल गणक जो है चार्ल्स बोल्डेन और प्रबंधक हैं, और लोरी गार्पर जो हैं वो डेप्यूटी प्रबंधक हैं। अब बात करेंगे एग्जाम ओरिएंटेड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। और हाँ, एक क्वेश्चन और हमें याद आ रहा, नासा की बात हुई तो हमारे इसरो ने अभी एक ह्यूमनॉइड रोबो बनाया है, रोबोट बनाया है, उसका नाम आपको याद रखना है, तो वो है व्योम मित्र, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हिस्ट्री से क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था, तो अवंतिका था। भारत में प्रथम बार स्वर्ण मुद्राएं किसने चलवाई थी, तो स्वर्ण मुद्राएं जो प्रथम बार चलवाई थी यूनानियों ने चलवाई थी, पर जो गुप्त वंश था उसमें सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्राओं का प्रयोग हुआ था। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का अर्थ क्या होता है, तो कैवल्य होता है। द्वितीय अशोक के नाम से किसे जाना जाता है, तो कनिष्क कुषाण वंश का राजा था ये। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया, तो राष्ट्रकूटों ने कराया। एलोरा अजंता की गुफाएं आपको मुंबई के अंदर मिलेंगी। कांचीपुरम का कैलाश मंदिर किसके आदेश से निर्मित हुआ था, नरसिंह वर्मन के आदेश से ये निर्मित हुआ था। ऐसे सूर्य वर्मन जो थे उनके आदेश से कोणार्क का सूर्य मंदिर निर्मित हुआ था। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया, चालुक्यों ने कराया। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी, तो नागभट्ट ने की थी। अमीर खुसरो किसके दरबारी थे, अलाउद्दीन खिलजी के अमीर खुसरो दरबारी थे, और अमीर खुसरो को तबला का आविष्कारक भी कहते हैं। और यादव सम्राटों की राजधानी क्या थी, तो देवगिरी थी। अब स्टैटिक जीके की बात कर लेंगे, वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे, तो वर्ल्ड बैंक का सिद्धांत जो होता है वो होता है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में, Washington DC में इसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा। प्रमुख लोग वर्ल्ड बैंक में मिल जाएंगे, डेविड मालपास जो प्रेसिडेंट है, क्रिस्टीना जॉर्जिवा हैं जो वो CEO हैं, और ये बुल्गेरिया से आती हैं, ठीक है। और पॉल रोमर जो हैं वो मुख्य अर्थशास्त्री हैं। विश्व बैंक विशिष्ट संस्था है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, सदस्य राष्ट्रों का को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। विश्व बैंक समूह 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक समूह है जो सदस्य देशों के वित्त और वित्तीय सलाह देता है। इसका मुख्यालय Washington DC में है, स्थापना 1945 में हुई थी। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, स्टैटिक GK GS एग्जाम ओरिएंटेड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, न्यूजेस सभी बहुत इंपॉर्टेंट थी। हमने पूरा प्रयास किया कि आपके लिए कोई भी क्वेश्चन स्किप ना हो। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए कि, और हमारे फेसबुक इंस्टा पेज को भी फॉलो कीजिए यूट्यूब के साथ साथ, और टिकटॉक और हेलो ऐप यूज़ करते हैं वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर शेयर चैट पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और आप हमें डेली मोशन अगर यूज करते हैं वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे ज्वाइन करने का प्रयास कीजिए। और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, तैयारी करते रहिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए निरंतर तैयारी करते रहिए, और तत्पर रहिए, हमेशा अलर्ट रहिए, और मन में हमेशा जुनून रखिए, हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, तभी चैन से बैठेंगे और खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।